एकरे पहले जोन बात हो हमके नाई कंपनी रहल दूध ढेरी वाला तो सर सफाई के विषय में हमके कोनो जानकारी नाई रहल, गंदगी फंदगी गोरु बीमार पड़ जा ओके हमनी के ना कोनो डॉक्टर मिले ना कोनो सफाई अभियान रहे ना ओके खियौले के पियौले के बड़ बीमार के सर कोनो हमनी के पास ओमें कोनो अभ्यास नहीं रहे। जब से ये दूध ढेरी में हमनी के जुटनी जा सदस्य के रूप में तब तो हमनी के जौन बात ओकरा के डॉक्टर मिले लागल ओकरा सारी प्रशिक्षण के हमनी के ओकर जब सीख लेनी जा तो बहुत बढ़िया से हमनी के इंतजाम भइल। ओकरे बाद गाय अधिक दूध देवे लागल, चारा हमनी के जौन बात वहाँ से सब डॉक्टर बतौले कि हेंग हेंगा चारा दिहल जाइ, हेंगा पशु के खियावल जाइ, का खियावल जाला, कितना सफाई रखल जाला, कितना झाड़ फूकल जाला ओके। तो सर सगरी जौन बात उ हमनिका के ओजा से मिलल तो हमनी के दूध देहल ओजा से शुरू कनी जा, ओजा से हमनी के बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई कि खाता में पैसा आवत जाला आ वो पैसा से हमनी के बहुत आगे काम जौन बात कह लेनी जा। नाबार्ड का गठन सन 1982 में भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। नाबार्ड का मूल उद्देश्य ही कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न तरह के कार्य करते हैं जिसमें एफपीओ का गठन, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, स्वयं देता समूहों का निर्माण और अन्य गतिविधियां होती हैं। तो इसके अंतर्गत 2 वर्ष पहले हमें पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति द्वारा संपर्क किया गया कि वह एक दिव्यांगता समावेशी कृषि उत्पादक संगठन का निर्माण कसिया ब्लॉक में कुशीनगर जनपद के करना चाहते हैं। सिर्फ 2 साल की छोटी अवधि में एफपीओ को दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। 3 माह पहले नाबार्ड द्वारा आयोजित माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कंपनी के मिल्क एटीएम का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं किया गया। इसके अतिरिक्त नाबार्ड परिचालन खर्च में सपोर्ट तो करता ही करता है, इसके अलावा केसीसी कैंप, इंश्योरेंस के कैंप, विभिन्न विभागों से विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित कराना, इन सबों में भी मदद करता है। हमारी एक कंपनी की एक दुकान का भी सेटअप हमने कर रखा है जो कि कलेक्ट्रेट कुशीनगर में है और इसमें मैं सीबीएम का भी विशेष सहयोग का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे पास जो पडलोली मिल्क एटीएम, बल्क मिल्क कूलर वगैरह जो सीबीएम ने प्रदान किया उससे काफी हमें सहयोग मिला। एरी के तरफ से हमारा बीमा और केसीसी कराया गया और उससे मैं 5 गाय खरीदा। 5 गाय खरीदने के बाद हमारा धंधा बढ़िया तरह से चल रहा है, हम उसी पर आश्रित हैं। ये जो एफपीओ बनी है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पशुपालन विभाग और इस एफपीओ ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि हमारे जो किसान भाई है उनके करीब 50 जानवरों का इनका बीमा कराया गया है ताकि कोई भी अगर आकस्मिक मृत्यु होती तो इनको पूरा का पूरा पैसा पशुपालन विभाग से मिलेगा। साथ में अभी हम लोग एक कार्य और कर रहे हैं कि यहाँ पे इन लोग की टीम को हम लोग एक वेटनरी डॉक्टर भी दे रहे हैं और 15 पैरावेट्स की भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे ताकि जो गांव-गांव में जो पैरावेट्स घूमेंगे तो जो छोटी छोटी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं उसी हम लोग इसको पूर्ति कर पाएंगे। विगत 2 वर्ष पहले दूध तो उत्पादन कर लेते थे, जानवर रखे हैं दूध उत्पादन कर लेते थे, लेकिन उस दूध को बिचौलिए आते थे और दूध लेके जाते थे, उचित दाम नहीं मिलता था, हम लोगों की दिक्कत बढ़ती जा रही थी जिससे गायों का रहन सहन रख रखाव भी हम लोग के लिए दिक्कत होने लगा। लेकिन कसिया मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जो स्थापित हुई उसके बाद से हम लोग उसके सदस्य बने और सदस्य बनने के बाद से हम लोग जब वहाँ पे दूध देने लगे तो उचित हम लोगों का को पैसा मिलने लगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को समावेशित करना था, उसके अंतर्गत लगभग 50% जो है वो दिव्यांगजन थे या उनके परिवारजन थे। मुख्य जो गतिविधियाँ हुई इस परियोजना के अंतर्गत वह क्षमता विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, लोगों को किसानों को हमने एक तरह से कई परियोजनाओं से जोड़ने की कोशिश की, सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिलवाया ताकि उनकी क्षमता का वृद्धि हो। मैं सीबीएम की ओर से मैं डॉक्टर सारा वर्गीस और मेरे लाइन मैनेजर उमेश बोराई और अन्य साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस परियोजना को सपोर्ट किया गया था न्यूजीलैंड सरकार द्वारा, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं उनकी तरफ से भी आप लोगों को देता हूँ। और अंत में सरकार
और स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार का हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और इस परियोजना के अंतर्गत नाबार्ड ने भी हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है और आशा करते हैं कि इसी प्रकार का निरंतर सपोर्ट इनका जो है वो रहेगा हमारे साथ में और जो ये नवगठित हमारा दूध संघ उत्पादन संघ है उसको हमेशा दिशा निर्देश मिलता रहेगा और ये प्रगति करें और हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके आय में वृद्धि हो, जो सरकार का भी सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो कहीं ना कहीं हम इस रूप में हम उनको भी पूरा कर पाएंगे। मैं इसके पहले कुछ करता नहीं था, बहुत कम काम करता था। मैं PGSS संस्था के थ्रू PGSS संस्था आया, मुझे बतलाया और सिखाया करने के लिए, तो मैंने डेयरी और गाय के लिए अप्लाई किया इन लोगों से। तो मैंने बोला कि सर मुझे गाय खरीदने के लिए पैसा वैसा नहीं है, तो सर लोग हम लोग दिव्यांग भाइयों को 20-25 लोगों को लोन के लिए अप्लाई किया बैंकों में, बहुत लोगों को लोन पास हुआ, उसके थ्रू हम लोग ले करके गाय को खरीद के लोन के द्वारा काम करते हैं और हम अपना दूध भी डेयरी पे देते हैं। कसिया मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लगभग 30 गांव के 800 किसानों को जोड़ के संचालित हो रही है। इसमें विशेषता ये है कि लगभग 150 हमारे दिव्यांग किसान और लगभग 250 महिला किसान भी जुड़े हैं। ये रोज जो किसानों का जो दूध उत्पाद है उस दूध को खरीदते हैं, उसको वैल्यू एडिशन उसके साथ करते हैं, फिर उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से टाइप करा के लोकल मार्केट में ही उसकी खपत होती है, जिससे कि किसानों को अपने आय के स्रोत का एक अतिरिक्त माध्यम इससे बना हुआ है। इनका सालाना टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ है और इस प्रोजेक्ट में नाबार्ड का, CBM का और PGSS का बहुत अहम भूमिका होने के कारण मैं उनको विशेष बधाई भी देता हूँ। और हमारे जो किसान जो जितने मेहनत और रुचि के साथ इस काम पे लगे हैं उन किसानों को भी मैं बधाई देता हूँ। इसमें पशुपालन विभाग का भी जो योजना चलती है गोकुल मिशन और अन्य जो योजनाएं हैं उसके तहत इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इनका जो टीकाकरण और जो पशु आहार जो पौष्टिक जो इनके दूध उत्पाद को और बेहतर बना सकता है, इस प्रकार की सारी योजनाओं से भी जोड़ के इनको लाभ दिया जा रहा है। मैं कसिया मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी नाबार्ड, CBM, PGSS के सहयोग से हमारे जनपद में स्थापित की गई। कसिया मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने बहुत ही विशेष कार्य किए हैं जिसके लिए वर्ष 2020 में दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार भी इस कंपनी को दिया गया। मुख्य रूप से ये कंपनी एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की तरह काम करती है जिसमें करीब 800 किसान जुड़े हुए हैं और इसकी मुख्य बात यह है कि इसमें 150 सदस्य दिव्यांग हैं। दिव्यांग सदस्यों को जोड़ने के कारण दिव्यांग सशक्तिकरण का ये एक उदाहरण पूरे समाज और पूरे देश के लिए है। साथ ही साथ विभिन्न विभागों के समायोजन से इस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को जनपद में काफी लाभ दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से पशुपालन विभाग के द्वारा पशुओं की देखरेख, बीमा, टीकाकरण और उनका रेगुलर चेकअप किया गया। साथ ही क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड और CBM का मुख्य भूमिका इस प्रोड्यूसर कंपनी के लिए रही। मैं इस कसिया मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और यही उम्मीद करूंगी कि आगे इनका टर्नओवर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा किसान इस कंपनी के साथ जुड़ पाए। पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति और CBM और नाबार्ड के तत्वाधान में कुशीनगर में किसानों से मिलकर, दूध उत्पादकों से मिलकर वहां के संगठन बनाया, FPO बनाया और उसी क्रम में जिसमें 145 से ज्यादा लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांग लोग हैं, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, जिसके वजह से आज वहाँ पर
600 से 700 लीटर के दूध प्रतिदिन आते हैं, जो वे लोग पनीर, खोवा सब बना करके बाजारों में बेच रहे हैं, ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं।